तो नमस्कार दोस्तों, होली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रनिंग अलाउंसेस के बारे में, जो कि एक रनिंग स्टाफ को मिलता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है जो कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या JEE के लिए, या फिर ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाने के इच्छुक हैं और वो किसी GDC या LDC की तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे रनिंग अलाउंस के। करीब 48 क्वेश्चन हैं, इसमें हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि रनिंग स्टाफ के लिए हाउ मच एडिशनल क्वांटम ऑफ बेसिक पे वुड बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ रनिंग स्टाफ को अगर रिटायरमेंट किया जाता है तो उसको जो उसका प्रेजेंट जो बेसिक होता है उससे कितना परसेंट एडिशनल क्वांटम ऑफ बेसिक को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कंसिडर किया जाता है। तो उसमें दोस्तों इसका क्लियर अगर फॉर एग्जाम्पल लेके अगर समझते हैं, तो जैसे किसी व्यक्ति का 1 लाख बेसिक है अगर मान लो रनिंग स्टाफ का, तो उसको आप अगर आप रिटायरमेंट होता है उस कंडीशन में उसको तो सीधा सीधा 55% उसको बेसिक में जोड़ दिया जाता है। मतलब 1 लाख का 1,55,000 बेसिक कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से उसका पेंशन कैलकुलेट की जाएगी जो कि 50% रहेगा। तो अगर देखा जाए तो 1 लाख के बेसिक पे जो रनिंग स्टाफ काम करता है उसका बेसिक हो जाएगा 1,55,000, उसका 50% हो जाएगा 77,500। उसका जो है मतलब ये आ जाएगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसका पेंशन बन जाएगा। तो ये क्लियर कट एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा जो लोग रनिंग स्टाफ में नहीं है उन लोगों को समझने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि रनिंग स्टाफ विच अलाउंस शेल बी पेड व्हेन अ रनिंग स्टाफ आर इंगेज ऑन नॉन रनिंग ड्यूटीज एट देयर हेडक्वार्टर। नॉन रनिंग ड्यूटीज हेडक्वार्टर पे अगर करते हैं, कोई स्टेशनरी जॉब में है, ऑफिस में बैठ रहे हैं, तो उनको क्या होता है दोस्तों कि उसका जो बेसिक रहेगा जो भी प्रेजेंट उसका एट द टाइम ऑफ ड्यूटी आवर्स में उसका जो बेसिक है समझो प्रेजेंट में, उसका 30% निकाला जाएगा और 30% डिवाइडेड बाय 33 डेज में 30 डेज में करके पर डे के हिसाब से जो कैलकुलेशन आएगा वो उसे पर डे एडिशनल दिया जाएगा एज ए अलाउंस एल के। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जो जो 50% है ये दोस्तों इसलिए दिया जाता है, मैं 55% मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि रनिंग स्टाफ के लिए जो बेसिक होता है वो 30% उसका एडिशनल बेसिक होता है। तो जब आप बेसिक की कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पर भी बेसिक की कैलकुलेशन की जाती है, तो वहाँ पर 30% तो बेसिक कैलकुलेट किया ही जाएगा एडिशनल। लेकिन क्या हो जाता है, जो 30% उसका बेसिक कैलकुलेट किया है उस पर उसको DA भी मिलेगा। और जब जब DA भी उसको मिलेगा तो वो DA का जो अमाउंट आएगा उसको कंसिडर करते हुए ये 55% किया गया है। तो इस तरह से ये 55% आता है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं कि विच अलाउंस शेल बी पेड व्हेन अ रनिंग स्टाफ आर इंगेज ऑन नॉन रनिंग ड्यूटीज एट आउट स्टेशन। अब ये था ALK हेडक्वार्टर पे और ये ALK है आउट स्टेशन, ठीक है। तो आउट स्टेशन पे जैसे कि अदर देन रनिंग स्टाफ है, उनको जब आउट स्टेशन जाते हैं मोर देन 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, तो उनको TA दिया जाता है। तो रनिंग स्टाफ को क्या है कि हेडक्वार्टर पे काम कर रहा है तब तो उसको ALK हेडक्वार्टर दिया जाएगा जो कि 30% उसका रहेगा। और अगर मान लो वो बाहर जाके वही ड्यूटी ऑफिशियल ड्यूटी करता है, ऑफिशियल ड्यूटी करता है स्टेशनरी जॉब, तो उसको 160 किलोमीटर दिया जाता है क्योंकि वो आउट स्टेशन गया। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर थोड़ा समझ लेना कि इसमें 30% दिया जाता है और 160 इसमें 160 किलोमीटर पर डे दिया जाता है अगर वो स्टेशनरी जॉब पे है। तो अगर वो स्टेशनरी पे नहीं है तो उसको जो अगर मान लो नॉर्मल ड्यूटी कर रहा है तो फिर जो किलोमीटर बनेगा वो दिया जाएगा। रनिंग स्टाफ को आउट स्टेशन पर ड्यूटी साइन ऑन रनिंग स्टाफ को आउट स्टेशन पर ड्यूटी साइन ऑन के बाद 1.5 घंटे से अधिक समय के लिए रोका जाता है तो कितने किलोमीटर क्रेडिट दिए जाने चाहिए। रनिंग स्टाफ है साइन ऑफ करने की बात सही है ना, साइन ऑफ जैसे रनिंग स्टाफ कोई गया किसी ए स्टेशन से बी स्टेशन तक वर्किंग करके गया, बी स्टेशन पे जाके उसने साइन ऑफ कर दिया और बी स्टेशन से उसको वापस ए स्टेशन पे आना है, लेकिन वहाँ से उसको गाड़ी समय पे नहीं मिल पाती है और उसका डिटेंशन अगर मोर देन
16 आवर्स हो जाता है इसमें, 24 लिखा है लेकिन 16 रहेगा ये यहाँ पर, 16 16 घंटे से ज़्यादा अगर वहाँ पर उसको डिटेंशन होता है वो, उसके बाद में उसे अगर साइन ऑन कराया जाता है तो उस जो 16 घंटे का टाइम पीरियड है उसके लिए उसको 70 किलोमीटर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि लोको पायलट के लिए पैसेंजर के लिए अतिरिक्त रनिंग भत्ते की दर क्या है। लोको पायलट जो पैसेंजर है, एलपीपी है, लोको पायलट पैसेंजर है, तो उसके लिए क्या है अतिरिक्त रनिंग भत्ता। तो ये अतिरिक्त रनिंग भत्ता है 1125 रुपये प्लस जो भी डीए रहेगा, एप्लीकेबल डीए वो मिलेगा। अब ये चीज़ इसलिए दी जाती है दोस्तों कि रनिंग स्टाफ के जो भी लोको पायलट गुड्स हैं, लोको पायलट मेल है, लोको पायलट पैसेंजर, इन सभी का बेसिक जो है 42, मतलब ML6 में ही है, 4200 के बेसिक पे ही है सब लोग ग्रेड पे। तो इसमें आप लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर और लोको पायलट मेल में एक डिफरेंस करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया रखा जाए कि उसको जब प्रमोट हो तो उसको बेनिफिट मिले। तो उसके लिए जो बेनिफिट दिया गया है वो ये दिया गया है कि लोको पायलट पैसेंजर को 1125 रुपये प्लस एप्लीकेबल डीए दे दिया जाएगा जो कि अलग रहेगा, मतलब इसका बेनिफिट उसको रिटायर मतलब पेंशन के लिए इस बेसिक का नहीं उपयोग किया जाएगा, इसलिए उसको एडिशनल रनिंग अलाउंस नाम दे दिया, बेसिक नहीं दिया गया है। ठीक है, ये एडिशनल रनिंग अलाउंस के नाम से इसको इतना अमाउंट दिया जाता है जब वो पैसेंजर बनता है। वही अगर वो मेल बन जाएगा तो उसको 2250 रुपये प्लस एप्लीकेबल डीए दिया जाएगा, लेकिन उसका बेसिक सेम रहेगा, 42 ही रहेगा जब तक कि वो रनिंग में काम कर रहा है LPM तक जाके, चाहे वो सुपरफास्ट गाड़ी में वर्किंग करे चाहे किसी में। तो ये चीज़ आपको शायद है कि समझ में आई हो, 1125 मिलेगा ये, और ये एडिशनल भत्ता रहेगा जो कि पेंशन कैलकुलेशन में इसका उपयोग नहीं, मतलब कैलकुलेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द अलाउंस, विच टाइप ऑफ अलाउंस शेल बी एडमिसिबल टू रनिंग स्टाफ हु आर इन डिटेल फॉर रनिंग ड्यूटीज बिफोर कंप्लीशन ऑफ आवर्स रेस्ट हेडक्वार्टर। मतलब अगर रनिंग स्टाफ को जो एम्प्लॉई है उसको अगर हेडक्वार्टर पर जितना रेस्ट दिया जाता है, अगर उस रेस्ट से पहले उसको ड्यूटी पर बुला लिया जाता है किसी कारण से, तो उसको ब्रीच ऑफ रेस्ट भत्ता दिया जाता है जिसकी कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप से की जाती है, वो हम लोग समझेंगे उसको कभी, उसके हिसाब से उसको दिया जाता है ब्रीच ऑफ रेस्ट भत्ता। अब तीसरा देख लेते हैं कि जो रनिंग स्टाफ का जो एम्प्लॉई है, अगर मान लो वो कहीं पर मतलब क्या, हाउ मच ऑफिशिएटिंग अलाउंस शेड बी पेल टू द रनिंग स्टाफ पुट टू ऑफिशिएट इन अ रनिंग पोस्ट फॉर 30 डेज आर लेस, 30 दिन से ज़्यादा, या 30 दिन या उससे ज़्यादा के लिए अगर मान लो कहीं उसको ऑफिशिएटिंग ड्यूटी की जाती है। मतलब ये कहने का कि अगर मान लो वो लोको पायलट गुड्स है और उसको पैसेंजर गाड़ी पर वर्किंग कराया जाता है तो क्या रहेगा कि उसको एक्चुअल किलोमीटर का 15% एक्स्ट्रा किलोमीटर उसे दिया जाएगा। मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर उसने महीने में 3000 किलोमीटर अगर गाड़ी चलाई है तो उसका जो है माइलेज हो जाएगा 3000 का 15%, 450 रुपये उसमें एडिशनल एड करके 3450 रुपये का उसको माइलेज का अमाउंट दिया जाएगा। अब मूल वेतन और ये दिया हुआ है कि रनिंग स्टाफ मकान किराया भत्ते की गणना की जाती है, कैसे की जाती है। तो मूल वेतन मतलब बेसिक प्लस बेसिक का 30% इंटू जो भी जिस सिटी में रह रहा है, शहर में रह रहा है, वो जिस क्लास में आती है एक्स वाई जेड उसके अकॉर्डिंगली 9, 18 या 27 जो भी परसेंट आता है वो कैलकुलेट करके उसे एचआरए दिया जाता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर दूँ, जो लोग रनिंग में काम नहीं करते हैं उनका अगर मन उनको ये चीज़ नहीं पता है, तो रनिंग स्टाफ को जो 30% बेसिक जो दिया जाता है एक्चुअल में उसको वो बेसिक मिलता नहीं है, सिर्फ जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं उस पर कैलकुलेशन करने के लिए उसको बेसिक को कंसिडर किया जाता है 30% एडिशनल। ठीक है, तो ये मत समझना कि उसको बेसिक जो है 30% एक्स्ट्रा बेसिक उसका कैलकुलेशन होता है, नहीं होता है, सिर्फ जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उसमें किया जाता है। हाँ, और जहाँ पर भी अगर बेसिक की बात आती है जैसे कि ट्रांसफ़र हो जाने पर जो CTG मिलता है उसमें, CTG में तो फिर नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर मान लो जो उसका जो पेंशन कैलकुलेशन होता है उस समय में, तो उस समय उसको 30% उसमें बेसिक में कैलकुलेट किया जाता है, 30 की जगह फिर उसमें 55 आ जाएगा डायरेक्ट। लेकिन और जहाँ पर बेसिक की खाली बात होती है वह 30% कैलकुलेट किया जाता है। अब दिया हुआ है कि पास और PTO के लिए शेल 30% ऑफ बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ भी रिकॉर्ड एज पार्ट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ पास एंड PTO के लिए 30% को कैलकुलेट करके उसका बेसिक जिस क्लास में आएगा उसके हिसाब से उसका पास और PTO की एंटाइटलमेंट हो जाएगी।
रनिंग स्टाफ को पीएफ कैलकुलेशन के लिए वेतन परिलब्धि गणना की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन दोस्तों मेरे को कुछ थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। पीएफ कैलकुलेशन में 55% का नहीं, यहाँ पेंशन कैलकुलेशन में 55% का दिया जाता है, पीएफ में नहीं होता। पीएफ के लिए तो जो बेसिक रहेगा उसका 30% मिला के जो आएगा बेसिक उतना रहेगा। अब देख लेते हैं कि रनिंग स्टाफ में ड्राफ्टेड CCOR में जो कंट्रोलर होता है, क्रू कंट्रोलर, उसके लिए योग पाया जाता है। प्रतिदिन कितना किलोमीटर दिया जाता है, तो उसको 120 किलोमीटर पर डे दिया जाता है, जो कि ड्राफ्टेड CCOR के पद पे काम कर रहे होते हैं उनको। 13 नंबर देख लेते हैं कि जो मेल एक्सप्रेस गार्ड्स को भी जो है, जो मेल एक्सप्रेस गार्ड हैं उन लोगों के लिए 1125 प्लस वो भत्ता दिया जाता है, महंगाई भत्ता जो भी अप्लाईबल है गार्ड के लिए भी वो है। रनिंग स्टाफ अगर गार्ड सेक्शन में काम करता है तो वास्तविक किलोमीटर से कितना गुना किलोमीटर दिया जाता है। तो घाट सेक्शन भी दोस्तों 3 टाइप के होते हैं, ABC घाट, तो जो है उसमें घाट से किस घाट में काम कर रहा है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, और जो कि 5 गुना तक हो सकता है। अब रनिंग स्टाफ ड्यूटी पर हो तो कौन से भत्ते दे हैं, तो रनिंग स्टाफ अगर ड्यूटी सॉरी छुट्टी पर है तो उसको 30% उसका जो बेसिक फिक्स किया जाएगा। ये मान लो कि उसका बेसिक 50,000 है, 50,000 का बेसिक का 30% निकाला जाएगा, जो 30% अमाउंट आएगा ठीक है उसको 30 दिन में डिवाइड किया जाएगा, और 30 दिन में डिवाइड करने के बाद जितने दिन की छुट्टी ली उसके हिसाब से उसका LMA उसको दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा बेसिक, यहाँ पर दिया हाउ टू कैलकुलेट इनकेशमेंट ऑफ लीव फॉर अ रनिंग स्टाफ। तो रनिंग स्टाफ का लीव इनकेशमेंट किया जाता है बेसिक, उसका 30% बेसिक उसमें ऐड कर दिया जाता है, मतलब देखा जाए तो बेसिक का 133% हो जाता है, और प्लस DA जो भी आ जाएगा, DA एप्लीकेबल आएगा उस बेसिक के हिसाब से, वो इंटू 30 अपन 30 इंटू नंबर ऑफ डेज, जितने दिन की दिन लीव ली है उस दिन 10 दिन के लिए, तो 10/30 10/30 इंटू ये फार्मूला, तो जो भी अमाउंट आएगा वो उसके लीव इनकेशमेंट रहेगा। अब दिया हुआ है इसमें 17 नंबर की सेल 30% ऑफ बेसिक पे आप रनिंग स्टाफ बी रिकॉर्ड एज अ पे आप ग्रांटिंग CTG जो मैं अभी बात कर रहा था TPTG, तो वो उसमें 30% नहीं किया जाता है। लोको निरीक्षक की सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कमिटेशन मूल वेतन अक्रिय माना जाता है, 30% उसको सेवानिवृत्ति लाभ 30% दिया जाता है लोको पायलट जो लोको इंस्पेक्टर है उनके लिए, LI जो काम करते हैं रनिंग उनके लिए। अब दिया हुआ है 30% मतलब इसमें दिया हाउ मच परसेंटेज ऑफ रनिंग अलाउंस पर मंथ सेल बी एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से डिडक्शन करने के लिए उसको कितना परसेंट जो है छूट दी जाती है, तो जो भी माइलेज मिलेगा उसका 70% या 10,000 रुपये महीना जो भी कम आता हो उसको छूट दी जाएगी। अगर मान लो उसका बेसिक मतलब 10,000 से कम माइलेज है तो 70% और नहीं तो 10,000 जो भी कम अमाउंट रहेगा। इसमें दिया हुआ है कि रनिंग स्टाफ द्वारा माह के दौरान अर्जित किलोमीटर के नज़दीकी किलोमीटर की राउंड ऑफ किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेशन किया महीने में और महीने में उसका मान लो किलोमीटर आ गया 7,101 किलोमीटर या 7,110 किलोमीटर आ गया, तो उसको क्या किया जाएगा 7,110 को 1 से 24 तक का जो किलोमीटर रहेगा उसको 25 मान लिया जाएगा ठीक है, और 25 से लेके 74 वाले को 50 मान, 1 से 24 के लिए 0 मान लिया जाएगा उसको, 25 से लेके 74 के लिए 50 मान लिया जाएगा, और 75 से लेके 99 तक के लिए 100 मान लिया जाएगा। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो 3 स्लैब बना दिए उन्होंने कि 0, 50 और 100, तो अगर 1 से 24 तक है तो उसको 0 मान लिया जाएगा, जो 7,110 था उसको 7,100 मान लिया जाएगा, अगर वही 7,125 या 126 हो जाता है तो 7,150 मान लिया जाएगा, और वही अगर 7,175 से ज़्यादा हो जाता है और 100 के बीच तो उसे 7,200 मान लिया जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है सारे जो है। अब इसमें देखिए वही चीज़ में बोलना था कि लोको पायलट में जो भी लोको पायलट के नाम से हैं पद है, लोको पायलट गुड्स पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस सभी के लिए लेवल 6 ही है। इसमें प्रमोशन ज़रूर होता है, लोको पायलट गुड्स से पैसेंजर बनता है, पैसेंजर से मेल बनता है, लेकिन उसका जो है क्या होता है कि उसका बेसिक में कोई इंक्रीज नहीं होता, वो ही रहता है ML6 में ही रहता है। रनिंग स्टाफ को रनिंग और अन्य भत्तों के वेतन में किस तिथि से है, तो 1/8/81 से जो है कैलकुलेशन मतलब उसका नियमित किया गया ही है।
आप रनिंग स्टाफ का जो है रनिंग भत्ते को किस में विवरण किया गया है, तो रनिंग स्टाफ का विवरण किया गया IREM अध्याय 9 में किया गया है, ये भी याद रखिए। अब ज़्यादातर पूछा जाता है EM 9 में किया जा गया है। रनिंग स्टाफ आकस्मिक छुट्टी होने पर क्या LMA दे है, तो जी हाँ LMA सभी छुट्टियों में मिलेगा उसको। अब एक चीज़ इसमें पूछी गई है कि जो PCOR और लोको पायलट की पद की पात्रता के लिए, जो लोग PCOR के काम कर करते हैं या LI के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कितना किलोमीटर उसका रनिंग एक्चुअल किलोमीटर रनिंग वर्किंग होना चाहिए, तो 75,000 किलोमीटर है। अब घाट सेक्शन भत्ता किसे दे है, तो घाट सेक्शन भत्ता रनिंग स्टाफ को दे है। और इसमें दिया हुआ है कि 30% ऑफ बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटिंग पे एलिमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट पास एंड PTO, तो पास और PTO के लिए 30% बेसिक ऐड करके जो एंटाइटलमेंट आती है वो माना जाता है, करेक्ट है। अब इसमें दिया हुआ है 30% ऑफ पे ऑफ रनिंग स्टाफ विल बी ट्रीटेड एज रिप्रेजेंटिंग द पे एलिमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ टाइप ऑफ रेलवे अकोमोडेशन के लिए भी 30% उसका बेसिक को ऐड करके जो इंटाइटलमेंट आती है उसके हिसाब से किया जाता है। रनिंग स्टाफ को ड्यूटी भत्ता दिए जाने पर ड्यूटी के लिए 10 घंटे तक प्रतीक्षा करता है अगर, तो उसको वेटिंग ड्यूटी का भत्ता दिया जाता है। इसमें दिया हुआ 30% ऑफ बेसिक पे ऑफ रनिंग स्टाफ विल बी ट्रीटेड एज पे एलिमेंट ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे स्टेशनरी पोस्ट पर्पज, तो ये 30% का किया जाएगा उसके लिए। रोस्टर के अनुसार वेटिंग या स्टैंड बाय रनिंग स्टाफ को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटों तक वेटिंग ड्यूटी का भत्ता दिया जाता है। अगर साइन ऑन करने के बाद में अगर व्यक्ति बैठा है और वो उसके लिए गाड़ी नहीं मिलती है, तो उसका जो वेटिंग किया उसने उसके लिए 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको भत्ता दिया जाता है। अब वेटिंग ड्यूटी अलाउंस विल बी पेड व्हेन स्टेशन ड्यूटी इंक्लूडिंग डिटेंशन एंड अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द ट्रेन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग ऑफ द स्टाफ आफ्टर दे रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी। रिपोर्टेड पे ड्यूटी पे साइन ऑन करने के बाद में कोई गाड़ी का चार्ज लेके बैठे और अगर किसी कारण से वो गाड़ी डिटेन होती है, कैंसिल होती है, जिसके कारण से कि गाड़ी को मूवमेंट नहीं होता है, डिपार्चर नहीं होता है, तो उस दौरान में उसको घंटे हो जाने के बाद में उसको साइन अप करा लिया जाएगा, तो उस पीरियड के लिए जो अमाउंट दिया जाएगा उसको बोला जाता है समझो वेटिंग अलाउंस या फिर वेटिंग ड्यूटी भत्ता। तो ये जो है दिया जाता है 15 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से। अब 30% ऑफ रनिंग स्टाफ बेसिक अलाउंस विल बी ट्रीटेड एज द पे एलिमेंट ऑफ द एंटाइटलमेंट ऑफ OT पर्पज, तो जी हाँ OT के लिए भी 30% कैलकुलेट किया जाता है। अब दिया हुआ 30% रनिंग स्टाफ के मूल वेतन को 30% महंगे भत्ते के लिए वेतन माना जाता है, तो यहाँ माना जाता है यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर मान लो किसी एम्प्लाई का बेसिक 10,000 बेसिक है, तो उसका 30% मिला के उसका बेसिक हो जाएगा 13,000, ठीक है। लेकिन उसको बेसिक के नाम पे तो 10,000 मिलेगा, लेकिन जब जो DA मिलेगा वो 13,000 के हिसाब से मिलेगा, समझ रहे। जब पेसिप जब आएगी, पे स्लिप आएगी उसकी, तो बेसिक लिखा रहेगा 10,000, DA जो लिखा रहेगा मान लो 13,000 का, और उस समय के 10% अगर DA चल रहा है तो 1,300 रुपये उसका DA आएगा, ना कि 1,000 रुपये। अब यहाँ पर शायद समझ में आया होगा कि 13,000 रुपये उसको कैलकुलेट किया जाएगा, 13,000 का 10% 1,300 रुपये DA लिखा जाएगा, लेकिन बेसिक 10,000 ही लिखा जाएगा, ठीक है। आयकर के लिए 30% रनिंग भत्ता वेतन में जोड़ा जाएगा, तो नहीं जोड़ा जाएगा। ब्रीच ऑफ रेस्ट जो है, BOR का मतलब ब्रीच ऑफ रेस्ट होता है। रनिंग स्टाफ में उपलब्ध होने पर रनिंग भत्ता दिया जा सकता है, रनिंग रूम सुविधा उपलब्ध न होने पर, उपलब्ध होने पर भी रनिंग भत्ता दिया जा सकता है, तो नहीं दिया जाएगा। स्टाफ वर्किंग एज अ सेंटर पेड किलोमीटर इज पर 15, जो लोग शंटिंग में काम करते हैं, एक ही स्टेशन पे गाड़ी की शंटिंग वगैरह करते हैं, उसको 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया जाता है। अब ये दिया हुआ है कि विच कैटेगरी ऑफ स्टाफ एलिजिबल फॉर आउटस्टैंडिंग डिटेंशन आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस। रनिंग स्टाफ को आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस दिया जाता है, और ये एल्कोहल के बारे में लिखा है कि रनिंग स्टाफ में जो लोग काम करते हैं वो एल्कोहल ड्यूटी साइन ऑन से पहले कम से कम 8 घंटे से तक, मतलब 8 घंटे से के बाद में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, 8 घंटे से पहले ले सकता है, कम से कम पीरियड क्या 8 घंटे ये, और ज़्यादातर ये पूछा भी जाता है। लोको पायलट भुगतान के लिए अतिरिक्त रनिंग भत्ते की दर क्या है, लोको पायलट गुड्स के लिए 700+ 750+ महंगाई भत्ता है। रनिंग स्टाफ के लिए सातवें वेतन आयोग में फैक्टर क्या था, तो ये 2.945 था, और कैटेगरी में लोको पायलट के लिए या सहायक को लोको पायलट के लिए A1 कैटेगरी होती है। और PME जो है, PME दोस्तों हर रनिंग स्टाफ के एम्प्लाई का जो है, रनिंग स्टाफ में काम करने वाले एम्प्लाई का PME होता है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये होता है PME हर 45 साल तक, हर 45 साल की एज तक हर 4 साल में होता है, 45 से 55 की एज तक हर 2 साल में होता है,
और 55 के बाद ये एवरी ईयर जो है उसका पीएमई होता है। जब तक पीएमई नहीं होगा तब तक वो रनिंग में काम करने के लिए फिट नहीं रहेगा। अब लेवल टू में जो है सीधी भर्ती सहायक को लोको पायलट की होती है, जो कि 18,000 प्लस 1900 का ग्रेड पे आ गया तो 19,900 रुपये उसका बेसिक होता है। रेल आवंटन है तो रनिंग स्टाफ को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो उसको आवश्यक एसेंशियल क्लास में वर्गीकृत किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों रनिंग स्टाफ के लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की। आई होप कि आपको वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगेगी, और अगर कुछ कोई कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और होली एंजॉय करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।